अनमेरिड कपल जब किसी होटल में चेक इन करता है तो देखिए ये कोई ऑफेंस नहीं है। अगर आपकी एज, आप मेजर हैं दोनों, एज 18 अबव है, तो यू कैन गो, नो वन कैन स्टॉप यू, राइट। बट क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप अपनी रियल आईडी देंगे वहाँ पे। काफ़ी बार क्या होता है कि लोग फेक आईडीज दे देते हैं या फिर अपना नाम को रिवील नहीं करते हैं, छुपा लेते हैं, फिर बाद में अगर कोई दिक्कत क्रिएट होती है और उनकी जब रियल आईडी मैच नहीं होती उस नाम से तो दिक्कत होती है। और आप किसी होटल में हैं, आपने चेक इन किया है, आप दोनों मेजर हैं, आपने अपनी आईडी भी ठीक दी है और पुलिस आकर आपका दरवाज़ा नॉक नॉक करती है, आप दरवाज़ा खोलते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में पैनिक होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप उनसे पूछे, हाँ जी बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अब वो आपसे बोलेंगे कि क्या कर रहे हो आप यहाँ, कैसे कर रहे हो, तो आप उनसे बोलेंगे भाई क्या करने से क्या मतलब है, आप उनको अपनी आईडी दिखाइए, एज देखिए, वी आर मेजर और हमने अपनी आईडी नीचे दी है, दिस इज़ अ होटल और हमने अपना रूम यहाँ पर बुक किया है, दैट्स इट। अगर इसके बाद भी अगर वो आपको ज़्यादा परेशान कर रहे हैं तो आप 100 नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि भाई ऐसे ऐसे ये ऑफिसर यहाँ पर आए हैं और ये हमको इस तरीके से परेशान कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ जगहों पर कुछ लोग ऐसे ही जाते हैं जस्ट टू हैरेस, और जो डर जाता है उससे पैसे वसूली करते हैं, फिर दैट्स इट, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब आप कहेंगे से कि सर हम अगर कॉल करेंगे पुलिस वालों को और हमें पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा तो हमारी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है। हो सकता है हमने अपने घर में नहीं बताया हो, या लड़की ने अपने घर में नहीं बताया हो, लड़के ने नहीं बताया कि हम आज कहाँ जा रहे हैं, मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। तो देखो भाई ये चीज़ें तो आपको टेक केयर करनी पड़ेंगी। अब आप डर के उनको पैसे दे दोगे या उनसे डर जाओगे, इनसे इन्फ्लुएंस हो जाओगे, वो भी ठीक नहीं है। आप उनसे साफ साफ बोलना कि ये रही मेरी आईडी, हम हैं मेजर, अगर आपको कोई परेशानी है तो बताइए, अदरवाइज आप यहाँ से जा सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच।